इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आइए आप इसी बीच में हम यहाँ फिर उपस्थित हो गए हैं और यहाँ जो चेक मिला है, जो खेत इन्होंने बैनामा किया, और चेक मैं दिखाना चाह रहा है कि चेक इनके पास 1,00,000 रुपए का है। ज्यादा ज्यादा चेक उसमें दिखाइएगा तो ऐसे पकड़िए। ये चेक कितने का है आपका? 1,00,000। 1,00,000 का ये चेकवा पर के दिहले भाई आपके? मनोज, ठीक ना? ये चेक पर मनोज सोनकर लिखा हुआ है, 1,00,000 रुपए का चेक है। ठीक, इस चेक पर पीछे भी इस चेक पर किसी प्रकार का कोई साइन नहीं है। क्या इस पर आप लोग देख रहे हैं भाई साहब? नहीं, साइन नहीं है। इस चेक पर साइन है? ये कौन सा बैंक का चेक है आप लोग बता सकते हैं? आईसीआईसीआई का बैंक है। ठीक है, तो इस चेक में पीछे सिग्नेचर आप चाहते चेक लें आप? आपका छोटान लड़का है बाबू? हाँ। क्या नाम है आपके? विजय। बाबू जब चेक की मिलत कैसे 2,00,000 का चेक रहा? 2,00,000 रहा चेकवा, एगो इन दोनों नहीं खाता मिलब। 1,00,000 के? 1,00,000 के। तो एक चेकवा भज गेल की नहीं? अभी तो जमा भइल बा। कै दिन भइल जमा भइल? आज जमा भइल हो गइल 9 दिन। अब बैंक के खाता में देखली भजल की नहीं भजल? गई नहीं, ये चेक कहीं नहीं गई। नहीं तो हां कलिया गई लानी, मैनेजर कहला कि अभी 2-4 दिन के लिए। आईसीआईसीआई बैंक में चेक भजले में चलिए, अगर दिहले बाटे तो एक भजत बा, तो मनोज भाई के पैसा जो बैनामा लिहले बाटे तो ऊपर है जो पब्लिक जुटल बैनामा थे, अपन का कह चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि बैनामा वापस होके आप गवाही दिहले बाटी बैनामा में। का दिहले बाटी बैनामा? हमारे सामने बैनामा बहुत बा, हम भली बात जान पहचान है। हाँ। तो जब आप एक बाप रहते आप कहीं गवाही दिया? गवाही ऐसे दिया नहीं कि इनके दुख दर्द में मन कौन चीज में खड़ा भइल होकर चाहे ना भइल होकर, वो समय भी हम बात चक्कर बात समझे नहीं, हम कहीं बांध देने मन के वाणी। अब से लोगों 30,000-30,000 रुपया कर्जा आई, 5 जन मिल के कर्जा। अरे जब आप कहली 1,65,000 कर्जा बा, 2,00,000 का चेक बा, वो ना के 2,00,000 के चेकवा ना कहते हैं कर्जवा की बात पूछ लो। आप का पूछ रहे हैं? हम यही पूछ रहे हैं ना कि क्यों आप ये ऐसा किए, हम पहले समझ लिए बुझ लिए सबसे, हम यहाँ तक भी बोले 30,000 रुपया आएगा। आप जब भी कह लिए जब 5 जन 30,000 रुपया आई, तो मन इकट्ठा 30,000-35,000 सब कर्जा निकाल के मन मजदूरी करके दे दिया जाए, खत्म हो जाए कर्जा, खत्म हो जाए। जमीन ना बेचे पड़त, जमीन कहे बेचलिए बनवाली पूछनी का हम खुद साथी ऐसे गई थे, पहले समझ बुझ लिया नहीं, ओकरे बाद गई नहीं, ओकरे बाद जमीन बेचा खाती सब कुछ कर तब गवाही देनी। समझ बुझ के गई ना तो गवाही देना, ये ना कहना कि हाँ जमीनिया काहे बाबू जी बेच, वो समय भी माना चाहिए, वो समय भी हम बताए हो गई सुनिए वही है ना, तो सही बतिया आप इसको नहीं नहीं सोचनी कि आपकी बढ़न भाई बात है, माँ से लड़की आपके बात है, लड़की आपकी चाचा कहत रही है, आपकी गिरा पान की लड़कियाँ कहाँ रही हैं? जब यह जमीन वो समय लिखत के टाइम पर भी हम ही कहानी पापा से कि ऐसा मुझ 6 डिसमिल बा, यहाँ 3 डिसमिल लिख दो, 3 डिसमिल रहे दो, 3 डिसमिल अपन कर्जा बराबर करो। फिर ये और गई ना किनारे का बस ये ना कहना है वहाँ से ही ना कहा, हमसे कुछ नहीं कहना, 3 डिसमिल लिखते हैं कि पूरा लिखते हैं ना। ठीक, अब आप लोग जो है इनके छोटे लड़के का भी बयान हो गया, हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये समस्त लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कुछ कुछ कहे भाई कुछ कुछ बोलना है कुछ तो कहो पापा हो गए कई भाई बता। आज हमारे बीच चूंकि दक्षिणांचल की सबसे बड़ी खबर उभर के आ रही है कि यही जमीन है जोरू जमीन, और जमीन का मैटर एक देवरिया कांड इसी तरह एक हादसा हुआ था, और आज भी यहाँ भी एक हादसा एक पिता पुत्र के बीच होने का कागार पर है, जो कि 5-5 बच्चियाँ और यहाँ पत्नी पुत्र यानी कि 5 बच्चियाँ पुत्र लेकर 7 की हत्याएं होने के कागार पर हैं। और यह अगर हत्या इस तरह अगर जनपद सीएम सिटी होने के नाते अगर इस तरह का हो रहा है, तो यहाँ इस दोषारोपण को किसको किस तरह कहा जाए? यहाँ माननीय पिताजी जो हैं
अपने पुत्र को निकासित करना है, जो कि पुत्र इनका किस तरह का ये घर हम दिखाना चाह रहे हैं कि देख लीजिए यह घर इकट्ठा है और पूरा गांव इकट्ठा होकर के एक ही शब्द यह कह रहा है कि पिताजी ने जो भी शब्द कहा है उन्होंने यह गलत किया, बैनामा इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन इनके एक छोटे पुत्र हैं, वह भी यह कह रहे हैं कि मैंने बैनामा उसी बैनामे यह गवाही दिए हैं, इन्होंने भी यह नहीं सोचा कि वह मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने भी कहा है कि मैं 3 ढिपी उनको दे दीजिए और 3 से बैना हमारा जो है कर्ज भी मुक्त हो जाएगा और वह भी रह लेंगे। लेकिन इन्होंने आपसी जाकर के किस तरह का इन्होंने बातचीत किया जिससे यह सारा संपूर्ण हक हिस्सा जो कितना डिसमिल का है ये 6 डिसमिल इन्होंने बैनामा कर दिया है चंद दिन में, जो कि यह 2 लाख रुपए का चेक दिए हैं ICICI से बैंक का चेक दिए हैं, जो मैं एक चेक आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से कैद भी कर दिया हूं और दिखाना भी चाह रहा हूं। और आज इन्होंने सारे समस्त ग्रामीण हमारे इंडियन टीवी चैनल में इन्होंने समय दिया और समय देने के नाते मैं सभी लोगों का एक आभार व्यक्त करता हूं कि इनका न्यायिक जो हो अगर सारे ग्रामीण यहाँ इकट्ठा है यह कह रहे हैं कि उनका पैसा मैं रिटर्न कर दूं और उनसे पुनः इनके नाम से बयानामा करा दिया जाए तो एक किसी तरह का एक लफड़ा जो बनता है यहाँ की जो दंगा प्रसाद होगा यह वंचित हो जाए, जिससे दोनों परिवार बर्बाद होने से आबाद के कागार पर हैं। हम इन टीवी समय देने के लिए धन्यवाद। मैं राकेश दुबे टीवी चैनल माध्यम से नमस्कार मित्रों, मैं इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आज जनपद गोरखपुर तहसील गोला नगर पंचायत गोला के विकास विकसित ग्राम सभा जो है आज विश्राम में मैं उपस्थित हूं और हम ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों के द्वारा कुछ जो है आराजी तत्व हैं जो जमीनी मैटर है। अब जमीन मॉडल किस तरह का है कैसा है ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि नई की खुदाई हुई है, चारों तरफ दिखा दा यह नई की खुदाई है और यहाँ ईटा है, यहाँ समस्त ग्रामीण उपस्थित हुए हैं और किस बिंद पर उपस्थित हुए हैं क्या है आइए हम इसे स्वतः रूबरू होंगे, क्योंकि यह CM सिटी होने के नाते एक हर जगह यही मैटर आ रहा है, कहीं न कहीं जमीन विवाद चल रहा है और जमीन विवाद के मैटर किस प्रकरण का है यह बताएंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम फेकू सोनकर। फेकू सोनकर, ग्राम सभा आपका? ग्राम सभा बिसरा। बिसरा, ये विस्तारित नगर पंचायत गोला में है? हाँ, बिसरा नगर पंचायत गोला में है। गोला में क्या प्रॉब्लम है आपका? हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जमीन का पैसा हमारे चाचा थे, उनको हमने 10,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया, खड़ंजा जो टुकड़ा ईंटा का नेव चला उसका दिया 500 रुपया और 9,500 रुपया जमीन के लिए, ये 5 डिसमिल जमीन कह करके दिए, कहना जाओ बनवा लो, हम कहें कागज वगैरह कहना के बेमानी ना करत बाटे जो ते ले ले। तब से जमीन में नहीं पेड़ लगा के हमने सहजन का पेड़ लगा के, आज सहजन का पेड़ 300 बरस का पेड़ है, ओके काटत बेचत रहें, यहाँ के जनता लोग सब जानते हैं कि काट बेचल नहीं है, इनकर जमीन है। आज वो जमीनी पर आपत्ति करके जो है कि जमीन हमारा छेक रहे हैं उनके परिवार लोग, काका और काकी दोनों मर गए, और घर भर जानता है कि ये दादा रुपया लिए हैं, बाबा रुपया लिए हैं, कोई नहीं आज तक ले आया, लेकिन अब सब लोग जागता बेईमानी करने के लिए तैयार हैं कि यह जमीन हमारा है छोड़ दो, इस पर दौड़ते हैं। तो हम कह रहे हैं कि पैसा हम दिया लें, कैसे तुम्हार जमीन है, इसमें हमने छप्पर डाले थे, छप्पर 7 लोग मिल करके उठा ले गए इस छप्पर को, बोलने पर लोग कहते हैं कि यही बात दाग दे, राइफल लेकर के चलते हैं मनु सोनकर, कहना कि दाग दे जमीन के नगीचे तय, छप्पर लोग उठा ले गए, उठा ले गए बाद में घुड़की धमकी लोग देते हमें, हमके बोलने के बाद में फिर तीसरे दिन चढ़ गए दुआरे पर, कहना अगर जो जमीनी के नगीचे गई तो तुमके दाग देव छोड़ न जियत है। क्या आपने थाना पर इन्फॉर्मेशन दिया? हाँ, थाना पर हमने एप्लीकेशन दिया, थाना का जो सिपाही लोग हैं इसके रिपोर्ट को लिखे हैं और रिपोर्ट हमारे सामने है, साथ में है। थाने से यहाँ भी कोई मौके से 112 नंबर पुलिस आई थी? हाँ, थाने पर से मौके पर यहाँ पुलिस 2 पुलिस आए थे। जो थाने पर आपने तहरीर दिया वह तहरीर आपके पास है तो दिखाने का काम करें दीजिए उनको। ये देखिए थाने में दिखाइए, सीधा करिए, सीधा करके दिखाइए। पलटी मारिए उसको, पलटी मारते जाइए, सीधा करिए, धारा दिखा लीजिएगा पूरा, चलिए पलटी मारिए, पलटी मारिए, चलिए हटाइए। यह थाने की तहरीर आप पर है?
हाँ, तो जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या आप उस अधिकारी को कप्तान को वहाँ भी गए थे क्या? हाँ कप्तान के यहाँ गए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो यहाँ पर कार्रवाई करा करके कप्तान यहाँ हमने गए थे। तो कप्तान का क्या आश्वासन मिला आपको? कप्तान लिख करके दिए हैं हमको पर्ची, पर्ची देखिए यहाँ दिखाइए। चलिए ये कप्तान की पर्ची है जो आपके कप्तान को वहाँ गया था अपना गुहार लगाने के लिए। हाँ अभी आश्वासन मिला है अभी तक आपको? हाँ हम कप्तान के यहाँ गए अपना गुहार लगाने के लिए, वहाँ पर्ची हमारा जमा हुआ और रसीद जमा हुआ, हमको पर्ची मिला वहाँ से कप्तान के यहाँ। ठीक, क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार सोनकर। क्या प्रॉब्लम जो चाचा जी कह रहे थे यह जमीन का मैटर, क्या प्रॉब्लम है? जमीन यही प्रॉब्लम है सर कि पूरे जमीन आज 3200 साल से हमारा ही था और हम लोग सब कुछ यहाँ पर वो जोत खा रहे थे, पेड़ लगाया था, उसके बाद लोग आए, 7 लोग आए, कटरैन भी डाला गया था, कटरैन वो लोग उठा कर लेकर चले गए और दबंगई से जब भी होता है तो हुड़गी तड़बी लोग देते रहते हैं। आपके द्वारा जब पैसा दिया गया तो उस समय क्या कोई लिखा पढ़ा नहीं हुआ था? नहीं कोई चीज़ नहीं लिखा पढ़ा, साहब वो ईमानदारी से दिया गया। उस समय ऐसा रहा कि लिखा पढ़ा वाली बात नहीं रहा, हम गंवारा रही दे दिली पैसा होकर, यानी कि प्रेम मोहब्बत था आप लोगों का, भाईचारे का संबंध रहा। हाँ प्रेम मोहब्बत था, खान पियन था, भाईचारे का मोहब्बत था हमारे के यहाँ हुआ उतना उनके के यहाँ हम जात रही हैं। अभी भी होला अब से ये लोग जो है कि उनकी नाती बेटा लोग ये जमीनी पर धांधली कर रहे हैं कि हमारी जमीन है, इसका कागज दिखाओ। हमारे पास साहब कोई कागज नहीं जमीन का, हम पैसा दे दिए 9500 रुपया। क्या जमीन आबादी की रही है? जमीन आबादी की रही है। अच्छा, ठीक है। आइए इसी बीच में कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं इनसे भी आगाह जानकारी लेना चाह रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी, आप लोग इकट्ठा भइल बाटी, क्या मैटर है? मैटर है आबादी का, आबादी पर हम 10000 रुपया दिए हैं जी। बाबा रहना बुलावना, 4 बेर घरे आके लोग बुला के ले गई ना लोग, कैसे कैसे जुटा के हम 10000 रुपया देनी। वो घड़ी में 10000 रुपया 10 लाख के बराबर रहल जी। तो अब बेईमानी करता ना, एमे पेड़ पौधा लगा लेले बानी, एमे कटरैन डरले रहनी हाँ, हमार दबदा से 7 जाने मिल के कटरैन उठा ले गए ना, तू नीक हमार सब हमार उठा ले गई ना, बोले पर मारे आवता ना, धमकी देत बाण उ लोग, समथर बाण लोग, हम के तन दुब्बर बाणी जा। एकरे खातिर अब जमीन बेईमानी करता ना हमार जमीन। गाँव से आपके तमाम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं और आपने उस जमाने में पैसा दिया और पैसा देकर उनसे जमीन लिया, लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ? नहीं, तब सब बुर्बक रहल, खान पियन रहल, ससुर रहना कहना हम 5 बेटन के किरिया खाइना, दक्षिण में हाथ उठा के 5 बेटन के किरिया खाता नहीं, तुरे बेमान तुरे जमीनी पर जे जाते के कोर फूट जाए, किरिया खाइना, किरिया खा के। उसके बाद आज उन्हीं के वंशज जो नए पीढ़ी के हैं वह लोग बेईमानी कर रहे हैं? वह लोग बेईमानी, अब लोग घर भर रहल लोग सबके सामने रुपया दिले हैं। ये लमसम कै वर्ष हो गई होई? 32 साल हो गई। 32 साल हो गया। 32 साल। आइए अब हमारे इसी बीच में और महिला हैं, ये बताएं क्या नाम है आपका? सीमा सोनकर। सीमा सोनकर, आप इसी ग्राम सभा के हैं जी? अभी जो चाची जी ने जो शब्द कह रही हैं क्या यह सही है? सही है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कोई नहीं, फेकू सोनकर का जमीन है, मनोज कब्जा थे। हाँ, ये जो ईंटा उटा दिख रहा है, बिखरा हुआ है, नींव खुदी हुई है, तो क्या मामला है, क्या रुका क्यों है? ये ईंटा उन्हीं का बिनसरी का था। बिनसरी का। हाँ। तो ये जमीन आबादी की रही है या नाम से? नहीं, आबादी की जमीन है। आबादी की जमीन। हाँ। तो आबादी की जमीन उन्होंने पैसा दिया उनको? हाँ, आबादी जमीन पैसा दिए हैं। जानकारी आपको भी है? मतलब सुने हैं, हमारे सामने तो नहीं दिए, नहीं सुने। आप यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं क्या? कई वर्ष रहे हैं आप? अरे हम दो पंचवर्षीय। हाँ, दो पंचवर्षीय रहे। यानी कि 2 पंचवर्षीय में 10 वर्ष आप भी रहे हैं। तो 10 वर्ष यह इधर भी नया हो गया लगभग, इसके पहले किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं अब तक? नहीं, ना ही कुछ आपत्ति नहीं। आज अब आई है जो नगर पंचायत में या विस्तारित ग्राम सभा? हाँ, तो अब आई है, यही है। यानी कि जमीन इनको चाहिए? अरे हाँ, जब कब्जा लेले बात पैसा दे। हाँ, तो ली चाहिए। क्यों, कहाँ नाम हो चाहिए आपका? लालचंद। ये जो बात बता रहे हैं यह सही है? हाँ, सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। इनकी जमीन है, ये पैसा दिए हैं? हाँ। क्यों भैया, सही बात है? हाँ, सही बात है, सही है ना? सही है। आइए हमारे साथ एक और बुजुर्ग जुड़े हैं। चाचा, ये लोग जो बता रहे हैं इसमें क्या है ये सच्चाई? सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, जो लोग बताए हैं यही सही बयान है, यही है। कुछ बोलेगा? क्या नाम है आपका? राजदास।
राजधारी राजधारी यह जो लोग बताए हैं यह क्या मैटर है? सही है, सही है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। जमीन किसका रहा? यह बिंदेसरी का। अब किसका है? फेकू का। फेकू का। इनसे उनसे तबादला हुआ, पैसा कौड़ी लेन देन करके? हाँ, लिए हैं, लिए हैं, तभी हुआ है। सही बात है। और कुछ कहेगा? क्या नाम है आपका? रविंदर। कहाँ घर पड़ता है आपका? परनई। परनई। यह जमीन का जो प्रकरण लोग बता बयान दे रहे हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, इसके बारे में तो हमको ये जानकारी नहीं है, किसके किसके नाम से है ये तो नहीं बता पाएंगे। वर्तमान में क्या जानते हैं आप? जानते हैं कि बिनसरी का है। वर्तमान में आप जानते हैं बिनसरी का है? यही सुने हैं, लेकिन हमको पूरा जानकारी नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि बिनसरी का है। अच्छा, इस समय किसका है बवाल? ये बवाल क्यों हो रहा है मालूम है आप? सर नहीं, ये नहीं मतलब मालूम है, ये नहीं मालूम है। चलिए, सबका वीडियो बना लीजिए, लाइक करते हैं। अब हम जगह जगह थोड़े लिया गए, आप कुछ बताएंगे? नगेंद्र नाम है मेरा। कहाँ घर पड़ता है आपका? यही जाए, बगल में है। बगल में? बगल में। क्या जो ये लोग बता रहे हैं जमीनी मैटर के बारे में? जमीनी मैटर यही है, आपको जानकारी है तो बताएं सर। हाँ, बता रहे हैं आपको। जैसे पहले बिनसरी के नाम से था जी, ठीक है, ये कितना दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, क्या लिखाए हैं, क्या नहीं लिखाए हैं, लेकिन पेड़ यही लगाए हैं। कौन? ये जो वृक्ष लगाए हैं, ये काट रहे हैं, बेच रहे थे, ठीक है, ये हम लोग जान रहे थे, यही ले लिए हैं जी। लेकिन अभी समय आपत्ति हो रही है, उसके लिए मान चलिए ये पूरा बाउंड्री पड़ा था, ये पूरा इसका नेक का बाउंड्री पड़ा था। तो नेक का बाउंड्री किसका, आपको जानकारी है किसका रहा? वही वही करवाए थे, बिनसरी का घराना करवाए थे, ये नहीं करवाए थे बाउंड्री। हम साफ साफ बताए हैं, हम उचित यानी ना ये हमको देंगे ना और क्या और देगा। सही है। लेकिन ये हम ये उसके पहले पेड़ लगवाए थे, ठीक है, उसके बाद में, पहले नहीं उसके बाद में। इन्होंने जब उनसे अगर लिया होगा तब तो यह जो बेचते खाते रहे बाउंड्री के बाद? बाउंड्री के बाद में ये पेड़ लगवाए थे तो हम लोग जाने यही लिए हैं, ठीक है। अभी समय पत्ती हो रही है, इनका मड़ई उठा कर लेकर चले गए वो लोग, ठीक है, लेकर गए हैं। अब हम वो नाम नहीं बताएंगे जिसका, यानी उनका नाती पोता जो भी है लेकर जाए गए हैं, ठीक है, लेकिन हम देखे नहीं हैं, हम नहीं देखे हैं, लेकिन उचित बात आपको बता रहे हैं। हमारे घर के परिवार जिसे बगल में हमने हैं तो वो लेकर लोग चले गए हैं, अब उसी लिए ये मार परेशान है, पैसा दिए हैं ये लोग, पैसा दिए हैं? हाँ, पैसा दिए, पैसा देकर के जमीन ली? नहीं, जैसे ये लोग बता रहे थे हम पैसा दिए हैं, आप पैसा देकर हमारा जमीन मान चलिए यानी ये लोग हड़प रहे हैं। आप लोग कुछ कहना है किसी को? कुछ आप लोगों का बताएं? सीला। सीला आपका? हाँ, सुग्गी। जो यहाँ मैटर चल रहा है जमीन किसका है? अब आप प्रॉब्लम दिक्कत अब आ रही है, पहले अब तक कोई दिक्कत नहीं रही है, जिंदगी भर का उन्हें खावे हम तो नहीं जानते। ये सही है ना? हाँ, ये सही। आइए लाइक कर देते हैं। यह सीएम सिटी है, माननीय योगी जी का यहाँ जनपद गृह है, और इसमें इस तरह की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? हम शासन प्रशासन का गुहार यही लगा रहे हैं साहब कि हमारी ज़मीन हमने पैसा दिया, हमको मिलना चाहिए, ये लोग सारे सर बेईमानी कर रहे हैं। इस ज़मीन का हमने 9,500 रुपया ज़मीन का दिया, 500 रुपया दो गाड़ी टुकड़ा का दिया, लोग ने यही लोग डर रहे हैं तो 500 रुपया ली टुकड़ा का कि उसमें ईंटा लगा है दो गाड़ी टुकड़ा, 500 रुपया हमको दे दो। 500 रुपया टुकड़ा के लिए, 9,500 रुपया ज़मीन का लिए हैं। आज ये ज़मीन लेने से नहीं, हमको कम से कम 30 और 32 साल हो गया, और तब से हमारी कब्जा है, इसमें हमने पेड़ लगाया, सहजन का, सहजन काटते हैं बेचते हैं, यहाँ का सब लोग जानते हैं, किसी से पूछ लीजिए। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय के? जो है का जमीन भी फंसी हुई है, हम लोग का जमीन देखिए पूरा छेका कर सब बैठे। आज आप जहाँ आए हैं आज की बात बताइए कि यह जमीन किसकी है? ये जमीन तो फेकू का है। फेकू किसको जानते हैं? फेकू का है, वो पेड़ पौधा लगा करके अपना सहजन काटते हैं बेचते हैं, काटते बेचते हैं, वही है फेकू। फेकू? हाँ जी, सही है, यही सही है। हाँ, आइए हम दिखाना चाह रहे हैं कि आज यहाँ सीएम सिटी होने के नाते जनपद गृह स्थान उनका है, मूल निवास जनपद गृह जनपद गोरखपुर का यह है, और यहाँ तहसील गोला
जनपद के यहाँ नगर विस्तारित नगर पंचायत गोला के अंतर्गत ग्राम सभा एक बिसरा आता है, यहाँ एक जमीनी मैटर है। अब जमीन मैटर बुजुर्गों के द्वारा आदान प्रदान होता था कि आप हमारा ले लीजिए, हम उनका ले लेते हैं, किसी प्रकार का कोई कागज़ पत्र का उस समय प्रेम का ही कागज़ पत्र था। लेकिन आज का जनरेशन जो है कि कागज़ पत्र माना जाता है, और कागज़ पत्र के न होने के कारण ये दोनों पक्ष में आपसी एक विवाद बना हुआ है। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो अगर कुछ कमियां हैं तो लोगों को तबाह मचा दिए हैं, सबकी ज़मीनें हड़प रहे हैं, एकदम 9:30 से राम बोल कर सारे गरीब लोग के उजार रहे हैं। इतना लोग गवाह है, कितने लोग का वो ज़मीन हड़पे हैं, आप गवाही ले सकते हैं। आप लोगों के बीच में है, हम लोग का जीना वो हराम कर दिए हैं, 2014 से हम लोग का पीछा कर रहे हैं। बदमाश दुद्दू गाड़ी लगवा करके हमारे घर पर हमको उठवा दिए, चमार के घर में हम लुकाए, आज चमार व्यक्त भी गवाह है। चरचर दीवार टूटकर हमारे ऊपर गिर गई, हम बहुत मुसीबत का सामना कर धरती पर जी रहे हैं। उन्हीं के घर के अगल बगल में मेरा भी घर है, वो मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, वो मेरा भाई है, हम भी यहीं रहते हैं। वो दबदबा से जमीन का वो बर्जा हमने रुकवाए, यहाँ भी जमीन लिए हैं, कोर्ट से मुकदमा हमारे ऊपर किए हैं, 7-7 धारा लगाए हैं, अभी कचहरी में पड़ा हुआ है। एकदम अकेले महिला हम हैं, हमारे घर कोई रहता नहीं है, बेटा पुरुष छोटे बच्चे हैं, वही पढ़ते लिखते हैं, एकदम हमको तबाह हो कर दिए हैं, बहुत हद कर दिए हैं, बहुत अनेत कर दिए हैं, एक का नहीं बहुत लोगों का। क्या आप लोगों ने कभी प्रशासन पर इस तरह की बात नहीं कहा? नहीं, हम लोग नहीं सोचे कि इसका ये इस तरह दबदबा है, हम लोग डरते 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 गए, आए डरवाते गए, एकदम हम लोग को दबा दिया, पहुंच नहीं था, दिन दहाड़े 7 लोग आकर कटरैन ले गए, थुन्नी उजाड़ दिए। आप कुछ कहो माता जी, आप आई बोल दा जमीन फेकू कहा, बस इतने बोले के है। क्या नाम है आपके? हमार बाल केसी, यही गांव घर है। हाँ। आप लोग जन बतावत है। हाँ। ये सही बात है? हाँ सही है, एमन कोन दिक्कत नहीं बा? नहीं। आपके जानकारी बा? हाँ, हाँ, हाँ। ये जमीन केकर रहली? ये जमीन रहली है भिंसरी के, पहले के। अच्छा। तो बाद में ना मन 3 साल हो गई बा, फेकू ले लिया हमें। अच्छा। तो अपन जो तब बोत हमें खा पियत हमें। हाँ। अब लोगन के बेटी बेटा तैयार जब हो गए बाने तो अब प्रभावी होता है, आपत्ति होता है, यानी बनामन आई भइल, पहले आबादी की जमीन है। हाँ, आबादी है। हाँ, आबादी है। पैसों दी हल्लाल कुछ जानकारी भाई आपको के? अब पैसा के जानकारी अब हमन के समझने के बात ना है, बाकी अभी है लोग जान ले है, ये लोग दिए ले है पैसा। फोटो सब ले लीजिए। आइए हमारे बीच में एक और भाई साहब हैं, हम इनसे कुछ रू रू होना जानना जानकारी। सर आपका शुभ नाम क्या है? हाथ नीचे, तिलकधारी। हाथ नीचे करिए। तिलकधारी नाम आपका? हाँ। आप यह जो मैटर या पब्लिक इकट्ठा हुई है इसके बारे में सर कुछ बताएंगे? अब जो बात भले तो सत्य है, सत्य है। हाँ, कि पहले भिनसरी पकड़ा गया, बाद में जमीन लोग लिए, और यही लोग कब्जा आज भी हैं, आप पहले भी थे कब्जा थे। हाँ, ये जो ईंटा उटा दिख रहा है, बिखरा हुआ है, नींव खोदी हुई है, तो क्या मामला है, क्या रुका क्यों है? ये ईंटा उन्हीं का, भिनसरी का था, भिनसरी का। हाँ। तो ये जमीन आबादी की रही है या नाम से? नहीं, आबादी की जमीन है। आबादी की जमीन, तो आबादी की जमीन उन्होंने पैसा दिया उनको? हाँ, आबादी जमीन पैसा दिए हैं। जानकारी आपको भी है? मतलब सुने हैं, हमारे सामने तो नहीं दिए हैं, नहीं सुने। आप यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं क्या? हाँ। कई वर्ष रहे हैं आप? अरे हम दो पंचवर्षीय। हाँ, दो पंचवर्षीय रहे। यानी कि दो पंचवर्षीय में 10 वर्ष आप भी रहे हैं। हाँ। तो 10 वर्ष यह इधर भी नया हो गया लगभग, इसके पहले किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं? अब तक नहीं, ना ही कुछ आपत्ति नहीं। आज अब आई है जो नगर पंचायत में या विस्तारित ग्राम सभा? हाँ, तो अब आई है, यही है। यानी कि जमीन इनको चाहिए? अरे हाँ, जब कब्जा लेले बार तब पैसा देवा थे। हाँ, तल्ली चाहिए। क्यों, कहाँ नाम हो चाहिए आपका? लालचंद। ये जो बात बता रहे हैं यह सही है? हाँ, सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। इनकी जमीन है, ये पैसा दिए हैं? हाँ। क्यों भैया, सही बात है? हाँ, सही बात है, सही है ना? सही है। आइए हमारे साथ एक और बुजुर्ग जुटे हैं। चाचा, ये लोग जो बता रहे हैं इसमें क्या है यह सच्चाई? सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, जो लोग बताए हैं यही सही बयान है, यही है। तो कुछ बोलेगा? क्या नाम है आपका? राजधारी। हाँ, राजधारी। राजधारी, यह जो लोग बताए हैं यह क्या मैटर है, सही है? सही है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, नहीं। जमीन किसका रहा? यह बिंदेसरी का। अब किसका है? फेकू का। फेकू का। इनसे उनसे तबादला हुआ पैसा कौड़ी लेन देन करके? लिए हैं, लिए हैं, तभी हुआ है। सही बात है। और कुछ कहेगा?
क्या नाम है आपका? रविंदर। कहाँ घर पड़ता है आपका? परनई। परनई। यह जमीन का जो प्रकरण लोग बता बयान दे रहे हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, किसके किसके नाम से है ये तो नहीं बता पाएंगे। वर्तमान में क्या जानते हैं आप? जानते हैं कि बिनसरी का है। वर्तमान में आप जानते हैं बिनसरी का है? यही सुने हैं लेकिन हमको पूरा जानकारी नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि बिनसरी का है। अच्छा, इस समय किसका है बवाल? ये बवाल क्यों हो रहा है मालूम है आपको? सर नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम है? चलिए सबका वीडियो बना लीजिए, लाइक करते हैं। अब हम जगह जगह थोड़े में लिया गए, आप कुछ बताएंगे? नगेंद्र नाम है मेरा। कहाँ घर पड़ता है आपका? यही जाए बगल में है। बगल में? बगल में। क्या जो ये लोग बता रहे हैं जमीनी मैटर के बारे में? जमीनी मैटर यही है, जानकारी है तो बताओ सर। हाँ बता रहे हैं आपको, जैसे पहले बिनसरी के नाम से था ये, ठीक है, ये कितना दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन पेड़ यही लगाए हैं। कौन? ये जो वृक्ष लगाए हैं ये काट रहे हैं, बेच रहे थे, ठीक है, ये हम लोग जान रहे थे, यही ले लिए हैं जी। लेकिन अभी समय आपत्ति हो रही है, उसके लिए मान चलिए ये पूरा बाउंड्री पड़ा था, ये पूरा इसका नेक का बाउंड्री पड़ा था। नेक का बाउंड्री किसका आपको जानकारी है, किसका रहा? वही वही करवाए थे, बिनसरी का घराना करवाए थे, ये नहीं करवाए थे बाउंड्री। हम साफ साफ बताए हैं, हम उचित यानी ये हमको देंगे ना, और के और देगा जी, सही है। लेकिन ये हम यहाँ उसके पहले पेड़ लगवाए थे, ठीक है, उसके बाद में, पहले नहीं उसके बाद में। इन्होंने जब उनसे अगर लिया होगा तब तो यह जो बेचते खाते रहे बाउंड्री के बाद, बाउंड्री के बाद में ये पेड़ लगवाए थे, तो हम लोग जाने यही लिए, ठीक है। अभी समय आपत्ति हो रही है, इनका मड़ई उठा कर लेकर चले गए हैं लोग, ठीक है, लेकर गए हैं। अब हम वो नाम नहीं बताएंगे जिसका यानी उनका नाती पोता जो भी है लेकर जाए गए हैं, ठीक है, लेकिन हम देखे नहीं हैं, हम नहीं देखे हैं, लेकिन उचित बात आपको बता रहे हैं। हमारे घर के परिवार जिसे बगल में हमने हैं तो वो लेकर लोग चले गए हैं, अब उसी लिए ये माँ परेशान है, पैसा दिए हैं ये लोग, पैसा दिए हैं, हाँ पैसा दिए, पैसा देकर के जमीन ली नहीं, जैसे ये लोग क्या है, आप लोग इसके सहमत हैं? नहीं वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं छोटा घर, इसको जैसे उजारेंगे वहाँ घर, वहाँ जमीन है या नहीं है, बनवा कर ये घर उजारेगा, कहाँ जाएगा ये, क्या कहना चाह रहे हैं ये, कहाँ जाएगा ये घर बनवा कर दीजिए ना। तीन डिसमिल है, तीन डिसमिल कैसे लेके रहेंगे, खाली तीन डिसमिल जमीन दाम कर, तीन डिसमिल इनका जमीन, तीन हमारे काका है, क्या नाम है इनका? इनका भाई मुन्नू है, मुन्नू है, मुन्नू भाई है, मुन्नू का हिस्सा वहाँ मात्र केवल तीन डिसमिल, तीन डिसमिल, तीन डिसमिल जमीन, बच्चे कितने हैं? छह, पांच है, पांच लड़के हैं, पांच लड़की। अब बताइए कि पौना डिसमिल करीब करीब बनता है, आधा डिसमिल कुछ ज्यादा बनता है कुछ पॉइंट मान करके, और वो आधा डिसमिल बच्चे कैसे जीविका उपार्जन अपने परिवार को कैसे लेकर कर सकते हैं? देखिए साहब, अब इसी बीच में यही नहीं, सात डिसमिल तत्काल बिका, दो साल हुआ, वो पैसा पूछिए क्या किया, इसके दिए कोनो का पूछिए, सब जमीन है, आई जमीन ऑपरेशन में लगाओ जी, का ऑपरेशन भाई ला, पोता का ऑपरेशन कितना पैसा लगेगा, कई लाख लगेगा, पाँच हजार, एक हाइड्रोसील के ऑपरेशन में सभी लोग जानते हैं, चार से पाँच सौ दस हजार पैसे ज्यादा नहीं लगता है, पैर में कितना करोड़ लगी, बोलिए तत्काल अभी बेचे हैं, यही ना, वह जमीन कितना बेचे थे? पच्चीस हजार बेचे, कितना बिकल रहा, ये पूछी के नमोज कितना जमीन ले, का कहले जमीन है, क्या जमीन बेचले रहली, कौन जमीन के पूछे, सात डिसमिल, सत्तर हजार लग गया हाइड्रोसील के ऑपरेशन में, देखिए साहब हमारा नियम यही है, हाथ जोड़ी मेरा है, इनको यहाँ बसाया जाए, बस आप साथ हो गए, जमीन जमीन, आपका क्या नाम है? चंदू प्रसाद। जो आपके साथ आपके पिताजी जो वक्तव्य दे रहे हैं इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई हम तो गोर धर था इनके, हमारे की है आने, हम पालन कर था, हम पालन करब, हम पहले भूखी पिया सी कितना बाटी, बाकी कबू नहीं सुनने, गोर धर था इनका, दादा हमारे की है आओ, हम पालन करब, सब फेंक दे, हम नहीं फेंक। आपके पास बच्चियां भी हैं? हाँ, पांच छह बच्चियां, पांच छह हमारे लड़की का है, क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति। आपका बेटा? आपका बबीता। आपका बेटा? सविता। ने अपने घर आपको सुनना, हमारा लाल मत, आपका की परिवार है? हाँ, हमारे बेटी आपके
ये आपके ससुर हम है? ससुर हम है। आप इनसे कितना दिन से अलग रही ला? हम 35 साल से ऊपर हो गए साहब, हम यही रहे, वहाँ से ताला तोड़ के खदेड़ दिया था हमें, हमारे ही डर के यही खदेड़ दिए, ये खदेड़ ले, वो ताला तोड़ के खदेड़ ले। आपकी जब आप लोग इकट्ठा थे कितना जमीन रहा होगा टोटल? 45 डिसमिल कुल जमीन है, सब बेच खा गया हम, मन के एक रुपया नहीं जानते, चुपे चुपे बेच के खियाते है लेकिन के ये। हाँ। आप लोग को कुछ नहीं देखते? कुछ नहीं, हम मन के तब भी हमारे बाल बच्चन के नहीं था, वो नहीं जाने आज ही कह ले की हम पोता का ऑपरेशन करौली, पैर टूटल रहा, झूठ बात, 2 लाख रुपया से 4 लाख ब्याज में लिखे है पैसा, पूछे कितना ब्याज ले लिया, ब्याज में लिखे है जमीन का? क्यों ब्याज में लिखे हैं? कितना पैसा लिए थे, कितने का कितना ब्याज बनता है? 30,000 का बढ़त बढ़त 1.5 लाख। अरे बाप, बैंक से ब्याज लिए थे, उसका कोई लिखा पड़ी है आपके पास? पैसा लिए थे? नहीं है। तो हम भी तो आपको 5 लाख दिए हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे? वो हमारा 5 लाख रिटर्न कर दिए, इन बच्चों का जमीन जो इन बच्चों को वापिस कर दिए, पैसा माने थे, पैसा इन बच्चों को देते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय में आप? हम बताएं जब कुछ खर्च कर ले पैसे वाले। क्या नाम है आपका? कहाँ घर पड़ता है आपका? यही घर विश्राम है, इसी वार्ड में है। यह जो तमाम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यह बात करें, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि घर दिया जाए, घर दे दिया जाए। हाँ, दिया जाए। या जो इन्होंने जो काम किया गलत किया सही? हाँ, किया गलत किया गया है, गलत किए हैं। सब बेच खा झलना, ये सब बेच खा गई। हाँ, अब एक पर हाथ लगौली रहना मालिक के ही बात, पांच है बेटी बाकी महिला दिया जाए, एकदम से एकदम दिया जाए। क्या नाम है चाची आपके? शांति। ये जोन मैटर पब्लिक इकट्ठा भइल बा, आज एक लड़का यहाँ है, उसके परिवार को उसी का ससुर उसका बाप उसको यहाँ से बेदखली कर रहा है, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि अपन बाल बच्चा लेके रहा है, रहे हाँ रहे, आयादी ले जोन बेचाना खाना नाच गा के फूल छियौली है लोगन की, नाकी में नबुल्ला तक ले कर पहन के उलेवंटा साड़ी पहनती आ नाच के यही से खिलौले हैं बुढ़वा के बुढ़ी जाते हैं हम कहो, और वहाँ से खदेड़ बगेट के यहाँ आई हेताना हेताना खुश रही, खाना था खाना तो बेचारा एगो मरे। यानी कि इतना मेहनत करने के बाद भी आज यहाँ खड़े हुए और खड़े होने के बाद ये मड़ई टाटी में रहे और आज इन्हीं के पिता ने इन्हीं की जमीन को बेच रहे हैं। इन्हीं का पिता इन्हीं को बेच खाना जो तो वही रहिए तो मतलब नहीं, वो ऊपर बेचारा कहला कि हम तो दर दवाई कैले बारा तो के हम पैसा दे, 5 हिस्सा लगा दिया, 1 हिस्सा का पैसा हम तो लेकिन एहू के बाद ये तो नहीं भाई, नहीं नहीं कहल चाहते हैं आप जो न्याय यहाँ मिलत भाई पब्लिक इकट्ठा भइल बा, एक बारे में क्या कहा सब बताए? अब का कहल जाए सबके जौन उनकर है तो उनको दे दिया जाए, जौन अभी बैनामा कर दिया बात है, एक बारे में क्या कहल चाहते हैं? गलत कैले हुआ ना, गलत इनके एक दंड मिले चाहिए, नहीं दंड मिले चाहिए, जिस्ती दंड मिले चाहिए, जो मैटर यहाँ जो आज तमाम महिलाएं हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, आज इसमें के बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? जो ये छोटे छोटे बच्चियां हैं 4-5 बच्चे, किसके द्वारा गलत हो रहा है? बाप के चलते, बाप के चलते, हाँ, बाप के चलते, बाप पैसा करना चाहिए नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से जनपद गोरखपुर तहसील गोला विकास खंड गोला के नगर पंचायत गोला का विस्तारित ग्राम सभा में हम आज बिस्रा वार्ड नंबर कितना है 5 में हम उपस्थित हैं और वार्ड नंबर 5 के कुछ इस तरह के यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे बीच यहाँ के महिला पुरुष वृद्ध यहाँ तमाम लोग कुछ माताएं बहने हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। अब किस बिंद पर उपस्थित हुए हैं सुनने को बहुत कुछ मिला है कि दक्षिणांचल में क्या चीज़ है, आज प्रशासन कहीं ना कहीं लुंज पुंज है कि आज इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं और हमारे बीच किस तरह का क्या है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यह एक मड़ई है, आप एक मिनट, यहाँ एक मड़ई है और यह घर है,
यह देखिए हम दिखा रहे हैं इसी परिवार का जीविका उपार्जन का पानी पीने का एक हैंड पाइप है और रहने का यह व्यवस्था है। दिखाइए यह मड़ाई में इनका जीविका यापन होता है। यह देखिए यहाँ तक यह सारा है और पिता पुत्र के संबंध में यह किस तरह का व्यवस्था जो कि समस्त ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुई है। यहाँ जो मैटर है पिता पुत्र का मामला है और हम उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे। चाचा का नाम है आपका? मुन्नू। मुन्नू आपके बाप का नाम क्या है? अभिराज। अभिराज कहाँ घर पड़ेल आपके? बिसरा में। बिसरा में आज पब्लिक जो इकट्ठा भइल बा कहीं बदे इकट्ठा आपके साथे भइल बा? भइल बा जमीन बिकाई के कर अपन बेचले बाटे। अपन कै ढेर बेचले बाटी? 5.5 डिसमिल। चाचा आप जमीनिया जे बेचा कै ठे लई के बाटे? 5 ठे। एक शादी भइल बा कि 2 शादी? 2 ठे भइल बा। पहले शादी से कै जनी? 4 जने। पहल की औरत से कौन लड़के बाटे आपके? एक थे। एक लड़का की लड़की? लड़का हमें लड़की? लड़की लड़का दो थे। क्या जनी हो भैया? 2 जनी। 2 जनी एक थे लड़की एक थे लड़का। एक लड़की एक लड़का पहले औरत से? हाँ। दूसरी शादी जब कैली आज दूसरी चाहे मेहरारू ले ली आप तो उनसे क्या जनी? 4 जनी। 4 जनी कुल मिला के आप दोनों जनी के घर अलग दे दिए सबके? पहले मेहरारू के लड़का घर अलग दे दी आप कि नहीं? नहीं। कहाँ रहे ना वो लोग? बगीचा में। तो पहले मेहरारू के जो लड़का रहा वो आपका सबसे पहला लड़का रहा तो वो ये समय कहाँ रहत बा? यही रहता बगीचा में। आप जो जमीनिया बेचली वो कहाँ के बेचली है? कहाँ के? यह बगीचा वाला। बगीचा वाला आप इस जलनी की लड़का हमार कहाँ रही? हम वही द्वारवा पर अपने छोड़ले बाड़ी। छोड़ले बाटी रहे खातिर छोड़। भाई मड़ाई ढंटा हुए लड़का यही में रहत भाई। मड़ाई दिखाई भाई पूरा मड़ाई दिखाइए। यहाँ 35 साल से रह रहा था लोग कितना पैसा में बेचली है? 2 लाख में। 2 लाख में पैसा आपके मिल गई? नहीं चेक मिलल। कै लाख का चेक मिलल बा? 1.5 लाख का मिलल बा। 2 लाख का चेक मिलल 1.5 लाख का 2 चेक मिलल। दोनों चेक कहाँ धैल बा? घरे बैंक में जमा बा। कहाँ एठे घरे धैले बाटे बैंक में जमा कर लिए एक लड़कवा दही 1 लाख का चेकवा? आधा भइल ना ओकर तो के दे? आखिर वो लड़कवा आप न जन्मल है गाँव समाज के न जन्मल है? नहीं तो वो लड़कवा हमारे दुखे सुखे साथ दे दुखे सुखे जो ऑपरेशन भाई ओमे ना एक को पैसा दिया रहा दीदी तीदी से चचा से ऑपरेशन भाई एक पैसा ना केहू दी हल केहू ना दी हल। तो जब केहू ना दिल 4 लड़कवा आपके साथ रहना ना दी हलस आ एक लड़कवा कि कठ लड़के के बाटे ओकरे? 5 लड़की है सर। 5 थे। एक को दही जलनी पुर लड़कवा के जीविका उपार्जन कैसे जिया हो तो पेट कैसे पालत बा? जो कमा के सब जियावत अपन अपन आप कमा के जियौली है आज वो कमा के जियावत बा। तो आज के महंगाई से पहले के महंगाई से अंतर रहल कि नहीं? बहुत अंतर बा। बहुत अंतर बा न? आज अगर 400 दिहाड़ी करब तो दिन भर भोजन कर लेब? नहीं हो पाई। ये बात सही कहली है कि नहीं हो पाई? तो जब ये नहीं हो पाई तो ये लड़कवा खातिर जमीनिया बेचे पूछे लग रहा न? हम केहू से नहीं पूछल। काहे नहीं पूछली? ये पब्लिक आप खातिर आयल भाई लड़का कितना दिन से यहाँ रहत बा? हम नहीं पूछली कि हमारे केहू दुखे सुखे केहू खराब है ना तो बेच दे अकेले आज कहाँ खाई लाया? आज कहाँ खाई ला? आज राही यानी कि आप भीख मांगने का कागार पर भीख मांगते हैं? क्यों भीख मांगते हैं आप? अभी 2 लाख रुपए में जमीन बेचे हैं इन लोगों के सामने आप बयान दे रहे हैं वो चेक का पैसा क्या हुआ? क्यों आप भीख मांगते हैं सबसे? भजन बैनामा किए थे आप?
चलिए स्टेप साहब के पास चलेंगे, आप कहेंगे कि मैं हम की है पैसा ले लो भजा नहीं अभी तक क्या नाम है आपका? राजिंदर। राजिंदर, यह जो मैटर बता रहे हैं क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, 30 साल से बसा हुआ है, 30-35 साल। ये लड़का 30 साल से आया? हाँ, हमारा भाई चाचा लड़का है। चाचा का लड़का है, जा रहे हैं जबरदस्ती, जा रहे हैं जाके जबरदस्ती लिखे हैं जमीन में, जबरदस्ती लिखे हैं, जबरदस्ती लिखे हैं। और ये कर्जा में देने के लिए क्या होगा, 5 बेटा कर्जा भर दीजिए, भर दीजिए 50-50 हजार रुपए भर दीजिए, जो आएगा हिस्सा जबरदस्ती जाए, पूरा जनता कह रहा था भाई भरिए, कर्जा भर दीजिए, भरवा दीजिए, भाग गए कहा भाग गए, आपकी बात हो गया, शांत रहिए, जबरदस्ती जाके लिखे हैं, शांत रहिए, जबरदस्ती जाके लिखे हैं, नहीं जाना पति जाना बात आ जाए, 50-50 हजार दबा दिया गया है पति उसका, भाई है। हाँ बोलिए, ये समूह निकाल कर किसको किसको खिलाएं, 25-30 साल से यहाँ पर रह रहा है, ठीक है, एक रुपया इनका नहीं जानता है, वो बात के मान चलिए जो कर्जा दूसरे से खिला रहे हैं उन लोग घर बनवा। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।